हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैं वो एक्रोपोविक एग्जॉस्ट मेरी NS200 में डालने वाला था, बट किसी रीजन से मैंने कैंसिल कर दिया वो। सो हेयर इज द एक्रोपोविक एग्जॉस्ट। तो ये मैंने यूज्ड बाय किया था 2000 रुपीज में, एंड अगर आप नया लेते हो तो आपको 3500 तक का पड़ जाएगा। तो हम इसको डालने वाले हैं R15 V3 में। तो देखते हैं किस तरह की साउंड आती है। विद टीवी कलर भी है ये। यहाँ पर आपको ग्लोसी कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है यहाँ पे, और सिल्वर कलर का है बाय द वे ये। और हम स्ट्रेट पाइप नहीं लगा रहे हैं, मतलब फुल सिस्टम नहीं लगा रहे हैं, हम उसी पाइप में वेल्ड करने वाले हैं इसको, और विदाउट टीवी कलर भी ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इंस्टॉलेशन। सो गाइस, फाइनली R15 V3 में एक्रोपोविक एग्जॉस्ट लग चुका है, और कुछ इस तरह की लुक आ रही है। तो अभी मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा। बहुत सही साउंड आ रही है डीवी कलर के बिना, तो डीवी कलर के साथ इतनी अच्छी नहीं आ रही। बाकी अभी हम यहाँ आए हुए थे मोती डूंगरी। तो अगर आप ये वाला एग्जॉस्ट न्यू लेते हो तो 3500 रुपये तक का पड़ जाएगा आपको। बाकी ये वाला हमने ओल्ड लिया है। अब इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस कवर के बारे में। तो ये है हमारी Grenitene, और ये एक्चुअली भारी खड़ी रहती है ऑल द टाइम। सो मैंने इसके लिए कवर ऑर्डर किया था ऑटोफाई स्टोर से। तो कवर की फिट एंड फिनिश बिल्कुल परफेक्ट है। बट आप सोच रहे होंगे कि इस कवर में ऐसा खास क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपको अभी इसको अंदर से दिखाता हूँ। तो आप कवर के अंदर देख सकते हो, इसमें PPC टेपिंग का यूज़ हुआ है। PPC मीन्स पेंट प्रोटेक्शन कोटिंग। तो ये 100% वाटरप्रूफ है, कंपनी ऐसा क्लेम करती है। इसके अलावा ये हमको डस्ट एंड पोल्यूशन से बचाने वाला है, एंड ऑल वेदर के लिए ये, मतलब सर्दी गर्मी बरसात सबसे बचाएगा आपकी कार को। इसके अलावा आप साइड में देख सकते हो कि इसमें हमको 3 बेल्ट्स मिल जाती हैं। तो ये इलास्टिक वाली बेल्ट्स हैं, जिससे हमारा कार का कवर अगर तेज़ हवाएं चलने पर भी नहीं उड़ेगा। और नॉर्मली मैंने यूजली देखी है सिंगल बेल्ट आती है, तो वो तो कुछ काम करती नहीं है। आप 3 बेल्ट्स आ रही है इसमें, एक रियर व्हील, एक फ्रंट व्हील एंड एक मिडल में, तो डेफिनेटली उड़ने तो नहीं देगा ये अपने कार के कवर को। तो इसके बाद हम कर लेते हैं इसका वाटरप्रूफिंग टेस्ट, और अभी मैं पानी डालता हूँ इसके ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई, बिल्कुल पानी नहीं टिका इस पर, सारा पानी नीचे आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी रेन में, आपकी कार वगैरह गीली नहीं होगी। अगर आप जैसी खड़ी करोगे आपको वैसी ही मिलेगी नेक्स्ट टाइम। तो दिस इज डेफिनेटली 100% वाटरप्रूफ। सो एज़ यू कैन सी, वैसी ही अपनी कार जैसी हमने पार्क की थी पानी डालने के बाद भी। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस कार कवर फ्रॉम ऑटोफाई। तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो फ्लिपकार्ट, अमेजन, एंड आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप कोई भी स्पेसिफिक कार के लिए, ऑलमोस्ट सभी कार्स के लिए अवेलेबल है ये कवर। सो ए बिग थम्स अप टू ऑटोफाई।
गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और इसके बाद ये हैंडल बार लगाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अच्छे लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.